20 साल पहले पवन कल्याण ने शाहरुख खान को दी थी मात। का प्रचार करने वाले कलाकार अब तक नहीं आए बास। पवन कल्याण हमेशा रखते आए हैं जनता का ख्याल। पवन कल्याण की बातों से बॉलीवुड को मिला करारा जवाब। राजनीति में लंबी छलांग मारने वाले पवन कल्याण की चर्चा साउथ से नॉर्थ तक हो रही है, और ऐसा हो भी क्यों ना। सालों इंतजार और अपनी बदौलत कामयाबी के शिखर तक पहुंचने वाले पवन कल्याण ने जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। जीत हार को अनदेखा कर की जन कल्याण में जुटे रहे। दरअसल जब से पवन कल्याण ने सियासी एंट्री मारी, काफी उतार चढ़ाव का उन्हें सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ बीते कुछ सालों में पवन कल्याण की फिल्मों की रफ्तार भी धीमी पड़ती दिख रही थी। हालांकि धमाकेदार सियासी कमबैक से एक्टर की किस्मत ही खुल गई और सीधे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जगह मिल गई। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि बाकी संघर्ष कर रहे कलाकारों के लिए पवन कल्याण एक उदाहरण बने हैं। पवन कल्याण बॉलीवुड के कलाकारों से भी काफी बेहतर है। विशेष करके बॉलीवुड के खान्स को पवन कल्याण से काफी कुछ सीखना चाहिए। ये बात एक पुराने किस्से के आधार पर बिल्कुल सही कही गई है। दरअसल बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान को सालों पहले पवन कल्याण ने अपनी सोच से हरा दिया था। एक तरफ जहां धड़ल्ले से नशीले खाद्य पदार्थ के एड्स को बॉलीवुड के कलाकार कुछ पैसों के लिए करने को तैयार हो जाते हैं, ये जानते हुए कि वो कितना नुकसानदायक और जानलेवा है, वहीं इन मामलों में साउथ के सुपरस्टार्स एक हद तक बेहतर हैं। इतना ही नहीं, बात पवन कल्याण की करें तो बता दें कि करीब साल 2001 की बात है, जब सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का एरा जोर पकड़ रहा था। खास करके इसमें दो सॉफ्ट ड्रिंक्स का नाम ज्यादा ऊपर आया था, जहां कोका कोला और पेप्सी इनमें शामिल थी। ड्रिंक इंडस्ट्री में दो नामी चेहरे अपने ब्रांडिंग में जुटे हुए थे। कमाल ये है कि उस वक्त पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर पवन कल्याण थे। दूसरी तरफ कोका कोला का प्रचार करने उनके भाई चिरंजीवी उतरे, जबकि कुछ साल बाद ही ये पता चलता है कि सॉफ्ट ड्रिंक ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक है। और ये जानने के बाद कि कोका कोला सेहत के लिए हानिकारक होता है, तुरंत ही पवन कल्याण ने अपना ऑफर ठुकरा दिया, और उनका कहना था मेरे लिए पैसे से ज्यादा जरूरी मेरा विश्वास। लेकिन हैरानी और अफसोस की बात यह है कि इसे सुनहरा अवसर समझकर शाहरुख खान ने ज्यादा पैसे मिलने पर एड को स्वीकार कर लिया। यहाँ पवन कल्याण एक आइडियल के तौर पर उभरे, जिन्हें पैसे और करियर के अलावा आम जनता की भी चिंता थी। मगर बात शाहरुख खान की करें तो सालों पहले की या अब वर्तमान में भी इनकी सोच वही है। अब तक शाहरुख खान की सोच इस मामले में नहीं बदली, और नतीजा ये है कि बेझिझक शाहरुख खान विमल पान मसाला गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। और न केवल शाहरुख खान बल्कि उनका साथ दे रहे हैं और भी बॉलीवुड के बड़े चेहरे जो इनमें शामिल हैं। जबकि इनका गुटके के एड को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर बॉयकॉट ट्रेंड चलाया जाता है, फिर भी ये नहीं रुकते, क्योंकि इन्हें केवल पैसों से मतलब है, किसी के जान से नहीं।